हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल लास्ट मिनट रिविजन विद आर एस एम एंड ईर एम बैक विद अनदर वीडियो तो टुडे वी आर गोइंग टू हैव मोर डिस्कशन ऑन दी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज फॉर द महाराष्ट्र सेट एग्जामिनेशन तो ये आप अगर कोई भी स्टेट से सेट का एग्जामिनेशन देने वाले हो तो भी आपके लिए यूजफुल है तो so, ये हमारा लेक्चर नंबर सेकेंड है इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर लिया है उसमें हमने काफ़ी सारे रिसर्च uh, के एम सीक्यूज डिस्कस किए थे आज भी हम रिसर्च के कुछ इंपॉर्टेंट एम सीक्यूज डिस्कस करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे आगे, आगे के पॉइंट्स में बाकी सारे भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे हम सारे के सारे कंसेप्ट को भी क्लियर कर रहे हैं तो अगर आप नेट के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो तो नेट के लिए भी काफी सारे एम यूजफुल होने वाले हैं और अन अकेडमी पे, प्लेटफॉर्म पे भी मैं लाइव लेक्चर्स लेने वाला हूँ और अगर आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे पढ़ना चाहते हो तो राहुल मोहिले मेरा कूपन कोड यूज करें ताकि आपको एडिशनल टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करना ना भूले लास्ट मिनट रिविजन विद आर लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ताकि वहाँ पर सारे पीडीएफ में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूँ चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन तो दिस इज माई प्रोफाइल यू कैन फॉलो मी ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे क्वेश्चन नंबर वन रिसर्चर वॉन्ट्स टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च विल बी पेटरेंट रच मेथडर्च फंडामेंटल रिसर्च को रिलेशनल रिसर्च या सर्वे रिसर्च ध्यान रखना जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में अगर हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे तो उसे बोला जाता है को रिलेशन रिसर्च तो को रिलेशन का मतलब क्या हम एसोसिएशन फाइंड करते देर इज अ ंग एसोसिएशन देर इज अट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स तो दैट इज कॉल्ड एज को रिलेशनल रिसर्च सेकंड क्वेश्चन कंट्रोल ग्रुप इज अ टर्म यूज इन विच टाइप ऑफ रिसर्च कंट्रोल ग्रुप एक टर्म है जो कौन से टाइप के रिसर्च में यूज होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्शन रिसर्च नरेटिव रिसर्च या के स्टडी रिसर्च ध्यान रखना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ये वर्ड यूज होता है जिसमें हमेशा आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है एंड दैट इज दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं वन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल और हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशंस करके ये चेक करते हैं कि उसका इंपैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा है जैसे टीचर एंड स्टूडेंट तो टीचर अपने बेसिस पे टीचर एक वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट है स्टूडेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल तो स्टूडेंट के बिहेवियर में हम चेंज करेंगे कैसे चेंज करें के टीचर कुछ अपने इंडिपेंडेंट बिहेव टीचर इज एन इंडिपेंडेंट बिहेवियर तो टीचर चेंज करके उसका इंपैक्ट देखेंगे कि स्टूडेंट्स uh, के बिहेवियर पे कैसे पड़ रहा है दैट इज जस्ट एन एग्जांपल तो दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं और ध्यान रखना हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किया जाता है और उसका इंपैक्ट हम ढूंढते हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे दैट इज कंट्रोल्ड ग्रुप द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिलेशन कोरिलेशन एनालिसिस इज टू सीक आउट तो अभी हमने बात की कोरिलेशन के बारे में डिफरेंस अमॉग वेरिएबल्स वेरिएशन अमॉग वेरिएबल्स एसोसिएशन ऑफ वेरिएबल्स रिग्रेशन अमॉग वेरिएबल ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिंपल पॉइंट जब हम कोरिलेशन रिसर्च की बात करेंगे तब हम हमेशा रिलेशनशिप ढूंढेंगे रिलेशनशिप के लिए एक दूसरा अप्रोप्रिएट वर्ड है एसोसिएशन जब हम एसोसिएशन ढूंढेंगे वेरिएबल्स के बीच में कि एक का एसोसिएशन दूसरे के ऊपर क्या है दूसरे के साथ क्या है रिलेशनशिप दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ वेरी एबल्स क्वेश्चन नंबर फोर द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच अ रिसर्च इज कंडक्टेड इज कॉल्ड एस सिन ऑफ रिसर्च रिसर्च डिजाइन रिसर्च हाइपोथिस या रिसर्च पैराडिगम ध्यान रखना जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जिससे हम हमारे रिसर्च को कंडक्ट करते हैं उसे बोला जाता है रिसर्च डिजाइन दैट इज कॉल्ड एस रिसर्च डिजाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च पैराडिगम द फोकस ऑफ कंसर्न इज ऑन इंटरप्रिटिंग रियालिटी इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स पर्स्पेक्टिव ध्यान रखना दिस इज रिलेटेड विद योर क्वेश्चन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च तो क्वालिटेटिव रिसर्च के डिफरेंट डिफरेंट मैथर्ड्स पढ़ के रखना क्वालिटेटिव रिसर्च को स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी बोला जाता है जिसमें बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं देखो अगर हम बात करें तो एक्सप्रीमेंटल हो नहीं सकता एथिनोग्राफिक नरेटिव केस स्टडी ऐसे मेथड्स जिसमें यूज होते हैं फिनोमिनोलॉजिकल तो इसका राइट ऑफ आंसर क्या है अगर हम रियलिटी को जाके चेक करेंगे जैसे अगर हम ट्राइबल एरिया के पॉपुलेशन ट्राइबल एरिया को चेक करेंगे ट्राइबल पीपल कैसे रहते हैं कैसे वो बिहेव करते हैं वो सारी चीज़ों के ऊपर अगर हम रिसर्च करते हैं तो हम रियालिटी को चेक कर रहे हैं उस केस को बोला जाता है एथिनोग्राफिक रिसर्च दैट इज कॉल्ड एस एथिनोग्राफिक रिसर्च क्वेश्चन नंबर सिक्स रिसर्च डिजाइन दैट नीड्स टू फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंटिन्यूइंग बेसिस इज कॉल्डाइस कंटिन्यूइंग बेसिस पे अगर हम एक ही पॉइंट के ऊपर बार 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 सेम रिसर्च करते जाएंगे ताकि देखेंगे कि पहली बार इंपैक्ट क्या हुआ है दूसरी बार इम्पैक्ट क्या हुआ है मतलब एक ही चीज़ के ऊपर बार बार, बार रिसर्च करते रहेंगे ऐसे रिसर्च को बोला जाता है लॉन्जिट्यूडनल स्टडी डिजाइन दैट इज कॉल्डाइज लॉन्जिट्यूडनल स्टडी डिजाइन ध्यान रखना एक ही पॉइंट के ऊपर बार बार रिसर्च करने वाले कंटिन्यूस बेसिस पे ताकि हम ये देखें कि पहले टाइम रिजल्ट क्या आया था अभी रिजल्ट क्या आया है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेवन रेफरेंसेस सर्व्स द पर्पस ऑफ लैंडिंग ऑथेंसिटी टू द गिवन कंटेंट इनसाइटफुल डिसीशन मेकिंग गिविंग ऑर्नामेंटल वैल्यू टू द रिसर्च या एग्जिबिटिंग द ग्रेट अचीवमेंट तो रेफरेंस जो हम देते हैं जो भी रेफरेंसेस हम देते हैं ताकि पता चले एग्जैक्टली exactly हमने कौन से कौन से रिसर्च पेपर को यूज किया है उससे हम क्या करते हैं उससे हम ऑथेंसिटी देते हैं जो हमने कंटेंट प्रोवाइड किया उसका तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लैंडिंग द ऑथेंसिटी टू द गिवन कंटेंट क्वेश्चन नंबर एट ध्यान से पढ़ना थ्रू विच मेथड द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मेड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेशर्ड तो अब भी मैंने डिस्कस किया जस्ट नाउ हैव डिस्कस कि दो टाइप के वेरिएबल्स की बात करेंगे मैनुपलेन की बात करेंगे या कंट्रोल ग्रुप की बात करेंगे तो हमेशा आपको याद रखना है दैट इज रिलेटेड विथ दैट इज रिलेटेड विथ एक्सप्रीमेंटल रिसर्च तो इसका राइट right आंसर है एक्सप्रीमेंटल रिसर्च जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करके मैनुपलेट करके उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या होता है क्वेश्चन नंबर नाइन पार्टिसिपेशन इन which टाइप ऑफ रिसर्च हैज द ग्रेट पोटेंशियल फॉर एंश्योरिंग द improvement ऑफ प्रोफेशनल एज वेल एज वर्क सिचुएशन ध्यान रखना प्रोफेशनल की बात करें वर्क सिचुएशन की बात करें टीचिंग लाइन की बात करें तो हमेशा एक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है ऑप्शंस देख लेते हैं फंडामेंटल रिसर्च अप्लाइड रिसर्च इवेलुएटिव रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च तो इसका राइट right आंसर है एक्शन रिसर्च मतलब इंप्रूवमेंट करना प्रोफेशनल लेवल पे वर्क सिचुएशन पे तो एक्शन रिसर्च ही काम में आएगा आज का लास्ट क्वेश्चन व्हेन अ रिसर्च प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन द मोस्ट सुटेबल सैंपलिंग मेथड यूजेस मैंने लास्ट टाइम भी इस टाइप का क्वेश्चन लिया था आपको दो टाइप के पॉइंट्स पढ़ के रखने हैं सैंपलिंग में दो टाइप के जो मेथड्स होते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी ध्यान से सारे मेथड्स को पढ़ के रखना बिकॉज एक क्वेश्चन सैम्पलिंग के ऊपर हमेशा पूछा जाता है तो जब हम हैट्रोजीनियस पॉपुलेशन की बात करेंगे और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को हम कंसिडर करेंगे हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग पॉपुलेशन तो उसे कौन से टाइप के मेथड्स यूज किया जाएगा सिंपल रैंडम कोटा सैंपलिंग स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग जब हेट्रोजीनियस की बात की जाती है तो आपको ध्यान रखना है तो मेथड यूज होता है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन लिया जाता है फिर तो उसके बेसिस पे उसका ऊपर रिसर्च किया रहेगा दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें बिकॉज ये सारे एक बार सेशंस होने के बाद इसका कंबाइंड पीडीएफ डी मैं टेलीग्राम के चैनल के ऊपर शेयर करूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम तो आपको इसी बेस पर रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे फिलहाल मैंने रिसर्च शुरू किया है फिर टीचिंग के आएंगे फिर पीपल एंड डेवलपमेंट के आएंगे काफ़ी सारे लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है ताकि आपका जो तो 27 दिसंबर को सेट का एग्जाम होने वाला है आप अगर नेट के प्रिपरेशंस कर रहे हो और अगर आप कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉमर्स के भी वीडियोस आपको रेगुलर बेस पे मिलेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन थैंक यू बाय ऑल ऑफ यू टेक केयर टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर